कितने परसेंट लोगों को लगता है कि औरतें मर्दों से ज्यादा नैग करती है? ये देख लो, औरत खुद ही हंस दी। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। सेवेंटी परसेंट। लेट्स सी क्या है जेंटलमैन का जवाब। 70-70। क्या बात है, सबसे पहले आपसे सुन लेते। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां छोटी छोटी बातें पकड़ लेती हैं। वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि तुमने ये चाय का कप तुमने यहाँ से उठा के सिंक में तो रख दिया, कल ये नहीं रखा था, कल मैंने ये बताया, आज तुमने रख दिया, लेकिन ये जो निशान पड़ा है ये क्यों नहीं साफ किया? I think इसको थोड़ा सा समराइज करने के लिए सिर्फ यही है, देखो men in general are lost souls, most of us. I love कि ऋत्विक के पास एक वर्ल्ड व्यू होता है। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जो मर्द होते हैं वो ऐसे होते हैं, और ये यूनिवर्स में जो औरतें होती हैं, डीएनए उनका ऐसा होता है, जो मर्द होते हैं वो डिफॉर्मिटी के साथ ही बॉर्न होते हैं। यार ये डिफॉर्मिटी नहीं है यार रितेश, नो दिस इज नॉट अबाउट डिफॉर्मिटी। बताइए, हम हैं यार थोड़े से लॉस्ट है, क्योंकि हम हैं यार। और लाइक वी नो वुमेन वांट टू सॉर्ट ऑफ टॉक एंड जस्ट गेट टू bottom of things and understand things of why they happen, how they happen. और कई कई बार हम लोग आधी बातें सुन के आधी सुनते नहीं, तुम हमारी सुन नहीं रहे हो, you don't really care about, अरे no no we are listening, but no, what did I say? 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला था? हो गया। ये देखा, हो गया। उसकी आंखें देख ले, हो गया। अब मैं हूँ बताने। तेजस्वी, आपको क्या लगता है? Of course, मुझे लगता है कि लड़कों को लगता है कि लड़कियाँ बहुत नैक करती है, क्योंकि जब तक लड़कियों को अपनी बात का जवाब नहीं मिलता, अगर आप पहली बार में जवाब दे दोगे तो वो नहीं करेगी। नहीं, नहीं, पहली बार में जवाब दे दोगे तो फिर तो स्यापा ही खत्म हो जाएगा ना। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि हमें मतलब और कोई काम नहीं है, हमें मतलब मजे आते हैं, हमें हमारा शौक है, लाइक मेकअप बेसिकली, एंड लाइक आज लड़ना है यार, आज कुछ तूफानी करना है, आज लड़ना है, ऐसे नहीं होता है। हम जितना लड़ते हैं उतना ही एक्सप्रेसिव लड़कियां होती है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग लव आल्सो। यस, आई थिंक हमारे लेवल ऑफ इश्यूज बहुत अलग हैं। जो हमारे लिए इशू है वो इशू है, लेकिन जो इनके लिए इशू है कई चीजें तो हमें पता भी नहीं कि हमने किए। आई थिंक इसलिए नैगिंग वहां से ज्यादा आती है। थोड़े एपिसोड्स पहले डिडंट यू से कि अगर मेरे को अपने गाय गैंग के साथ थोड़ी देर टाइम बिताने के लिए अगर मुझे कभी अपने पार्टनर से झूठ बोलना पड़े कि बेबी आई एम एट वर्क, और उसे पता लग जाए तो वो नैग करेगी, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नो नो, दैट इज नॉट नैगिंग, दैट इज बीइंग फेयर। नाउ इफ वी कन्फ्रंट यू फॉर दैट कि भैया तुमने झूठ क्यों बोला, सीधा बता देते तुम अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे बट नैगिंग इज नेवर कन्फ्रंटेशन, दिस इज नैगिंग राइट? नो, दैट्स नॉट नैगिंग। वैलिड पॉइंट भी लड़की लेके लड़ेगी ना, वो इनके लिए नैग ही है। अरे नहीं, नैगिंग इज क्रिकेट क्यों देख रहे हो? अच्छा, मुझे लगता है कि सीरियस इशू पर ये डिस्कशन हो सकते हैं, करेक्ट है, लेकिन नैगिंग होता है कि जो प्रोबेबली रोजमर्रा के इश्यूज है, कि ये यहाँ पर क्यों रखा, वो वहाँ पर कैसा नहीं किया, तुमको 4 बार बोला फिर भी तुम ये कर रहे हो, तुम समझते क्यों नहीं? That's also fair, ना? Yeah, fair enough. तो नैगिंग नहीं है, वो नैगिंग तो बिल्कुल नहीं है। I think that is not listening. Like, yeah, lack of attention. Yeah, taking for granted. एक तो you're setting the house because there's no one else making the house. Correct, Janelia. Then it has to be the way it is, right, Ritesh? Yes, we are with you, lady. Nagging, खबरदार अगर इसको nagging बोला तो। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। Ritesh, इतना drama. No, but I think we take nagging in the wrong way. Yeah. Always, it's not negative. Always, it is also for your betterment. Yeah. Or probably it's the same information repeated again and again. Yeah. ये ना कह रहे तुम बार बार फोन पे, मतलब अगर पहली बार जब बताया था फोन पे इतने मत रहो, तो पहली बार अगर हम सुधर जाते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम नहीं सुधरे इसलिए वो बात नैगिंग में हो गई। Well done, Ritesh. So glad. ये रही मेरी सोच, आइए देखते क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 57%। इस सवाल का सही जवाब है 60%।